आज नरोली हाई सेकेंडरी स्कूल गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम एंड प्राथमिक स्कूल नरोली के आज हम युवा क्वेश्चन ड्रिल रखा गया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स ने भी भाग लिया था। करीबन 9:10 को हमको कॉल मिला था कि नरोली हाई सेकेंडरी स्कूल में सेकंड फ्लोर में आग लगी है करके। हमारी टीम वहाँ फायर स्टेशन से टर्न आउट हो गई और वहाँ से नरोली स्कूल में 3 गाड़ी लेके हमारे मौके पे आ गए। वहाँ देखा तो सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी। हमारे जवान ने पहले तो आग को कंट्रोल करने के लिए काम शुरू कर दिया था। इसके बाद जो क्लास में जो बच्चे फंसे थे, मिसिंग थे, उसको सर्च एंड रेस्क्यू टीम द्वारा सबको क्लास से बाहर लेके असेंबली पॉइंट में लाया गया। जो बच्चे इंजर्ड थे उसको फर्स्ट एड दिया और फर्स्ट एड के बाद ज़्यादा घायल थे उसको 108 के जरिए हॉस्पिटल भी भेजा गया था। और जो बच्चे ऊपर से फंस गए थे बाकी उसको भी सर्च एंड रेस्क्यू के द्वारा उसको भी नीचे लाया गया था। करीबन हमारी इस स्कूल के 8 टीमों ने भाग लिया था। उसमें से सबसे पहला था फायर अलार्म टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, फायर फाइटिंग टीम, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टीम, मीडिया टीम एंड फर्स्ट एड टीम। इन सारे टीम ने भी और सारे टीचर्स ने भी बहुत अच्छी तरह से भाग लिया और अच्छी तरह से कार्य किया। ऐसा कार्य जो युवा क्वेश्चन ड्रिल में हो रहा है वो हर एक को एक अवेयरनेस मिले, इसका ही हमारा मकसद था। अगर इस कार्य से उन बच्चों को भी एक गाइड मिल जाएगा कि ऐसे रियल में जब आग लग जाएगी तो हमको कैसे युवा किट होके असेंबली पॉइंट में आना चाहिए, इसी तरह का एक हमारा मकसद था। वो आज नरोली हाई सेकेंडरी स्कूल में हमने ख़त्म किया था। और भी हम मंथ में हमारे डायरेक्टर साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर के मार्गदर्शन हेतु हम सिलवासा के हर एक स्कूलों में ये मॉक ड्रिल महीने में 2 बार हम करते हैं और वीक में 2 बार हम फायर सेफ्टी बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। दमंडी दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रवल भाई पटेल के मार्गदर्शन हेतु नरोली हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर मॉक ड्रिल की जो ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को, जिसमें आग लग जाए स्कूल के अंदर तो बच्चों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, साथ में 108 की सुविधा, साथ में फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी के साथ जो कटर मशीन का जो अपने पास व्हीकल है उनकी पूरी टीम के साथ पूरे नरोली हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमारे आचार्य फुलजीव सर और मैडम डिम्पल बेन उपस्थित रहे और सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारीगण, फायर के सभी लोग उपस्थित रहे, जिसमें सभी बच्चों को अच्छी तरह से रेस्क्यू किया गया और किस तरह से बचाया जाए वो सारी बातें बताई गई। धन्यवाद। हाई सेकेंडरी स्कूल नरोली गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हमारी मैनेजमेंट कमेटी को पता चला कि सुबह 9:15 आग लगी तो उसमें हमारे स्कूल के आचार्य सर एफ.के. पटेल सर और प्राइमरी के आचार्य मैम उनने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 108 को फ़ोन किया। तुरंत वो लोग जैसे आग लगी थी तुरंत आके ट्रीटमेंट चालू कर दिया, उनका रेस्क्यू चालू हो गया और हमारी स्कूल की जो टीम थी 9 टीम और हर एक टीम ने बहुत उत्साह से भाग लिया और वहाँ उसने सभी वॉलंटियर्स हमारे NSS वॉलंटियर और हमारे टीचर्स जो कमेटी है वो लोग ने पूरा जोश से हमारे बच्चे को नीचे लाए। आग और जिसको लगा था उसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, 108 में जिसको भेजना था उनको भी ट्रीटमेंट के लिए लेके गए और फायर फाइटर सब ने रेस्क्यू किया, सर्च किया, बहुत सारे इंजर्ड बच्चे को नीचे उतार के उसको फर्स्ट एड मिला और बहुत अच्छी तरह से सारवार की। और हमारे बीच फायर के और 108 के बहुत सारी सुविधा मिली और सब बच्चे को ट्रीटमेंट मिला। प्राथमिक गुजराती केन्द्र शाला नरोली विद्यार्थी हेतल जादव, आज अमारी शाला में 9:10 पर आग लगती फायर अलार्म वगता बढ़ा बाड़कों ने क्लास में स्थलांतर कर रेस्क्यू टीम ए शाला ग्राउंड में स्थलांतर कर टीम की जाण थता अमारी ग्रुपे फायर अलार्म टीम ने एम्बुलेंस ने कॉल कर कॉल करने थोड़ा समय में एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम अँ हाजर थी। रेस्क्यू टीम द्वारा जे बाड़को इंजर्ड थे तमने
जे बाळको क्लासमां फसाया हता तेमने रेस्क्यू करी ग्राउंड में लावामां आवी अने तेमनी सारवार करवामां आवी। रेस्क्यू टीमे कुल 5 बाळकोने इंजर्ड बाळकोने त्यांथी स्थळांतर कर्या हता। अमारी रेस्क्यू टीम द्वारा 6 बाळकोने क्लासमांथी रेस्क्यू करी ग्राउंड में लाव्या आव्या हता। फायर टीमे टेरेस उपरथी 3 बाळकोने इंजर्ड थई थईला हता तेमने रेस्क्यू करीने नीचे लावामां आव्या हता।